ये तस्वीरें देखिए, आप जरूर कहेंगे दावा सुशासन का, हाल बदहाली का। बिहार में शिक्षा विभाग और स्कूलों का हाल देखकर तो कम से कम यही कहा जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल और इंतजाम की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है वैशाली से। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा देते दिखे। राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय सहदेई में इस सरकारी स्कूल से बिहार के शिक्षा महकमे की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर हैरानी होती है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में 8वीं की परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के लिए स्कूल के पास एक अदद बेंच डेस्क तक का इंतजाम नहीं है। बच्चे बेतरतीब झुंड बनाकर जमीन पर बैठकर किसी तरह कापियां लिखते दिखे। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? अर्धवार्षिक परीक्षा। कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान। तू लोग टेबल पर बैठ के, बेंच पर बैठ के परीक्षा दे रहे हो या जमीन पर? जमीन पर। जमीन पर बैठ के? यस। परीक्षा कहाँ बैठ कर दे रहे हो? जमीन पर। तो कितना विद्यार्थी होगा अभी? 60-65 होगा। अच्छा, पूरे विद्यालय में सभी बच्चे जमीन पर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं? यस। डेस्क बेंच नहीं है? स्कूल के प्रिंसिपल से जब बदइंतजामी और बदहाली को लेकर सवाल हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने भी ठीकरा सरकार और विभाग पर फोड़ दिया और कहते दिखे कि बेंच डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार से लाख गुहार लगाने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती। प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बदइंतजामी का हाल ये है कि स्कूल और क्लासरूम की बदहाली की वजह से बारिश और धूप जैसे हालत में स्कूल की छुट्टी कर बच्चों को घर भेजना पड़ता है। यहाँ उपस्कर की कमी है सबसे पहली बात है, और कुछ बेंच डेस्क है जिस पर बच्चे बैठते हैं, बाद बाकी सब नीचे ही बैठते हैं। इसके लिए कई बार विभाग को लिखा गया है लेकिन अभी तक इसका कोई। भवन भी जर्जर है सर। भवन के संबंध में भी कई बार लिखा गया है लेकिन इसका भी कोई नहीं। वर्षा के समय में सर बच्चे को कैसे पढ़ाते होंगे? बच्चे तो बारिश जब होती है तो उस समय डिस्टर्ब तो हो ही जाती है बच्चे लोग किसी तरह, जहाँ तक होता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बच्चे सब को छोड़ दिया जाता है। कितना संख्या है यहाँ? संख्या तो लगभग यहाँ 700 का है नामांकन, 710 तक, और आते हैं 450-450 बच्चा। कौन सा विद्यालय है सर? मध्य विद्यालय सहदेई। तो सुना आपने, अब जरा सोचिए ऐसे हाल में बच्चों के सुनहरे सपनों का क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। बच्चों ने बदहाल व्यवस्था पर बेवसी जाहिर की, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, जब हाल बदहाल हो, सिस्टम के कान पर जू तक ना रेंगती हो, फिर भी दावा सुशासन का हो तो ऐसे में बदलाव और सुधार की उम्मीद भी बेमानी लगती है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।